हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मानना पड़ेगा, जमाना बदल गया है, लेकिन आज भी सास पहले की तरह ही है। अरे आपको समझ नहीं आया क्या कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो चलिए मैं बताती हूँ। राजकोट में एक कुमुद नाम की कंजूस सास है, जो अपने बेटे नितिन और बहू आन्या के साथ रहती है। ऐसे ही एक सुबह उनके घर पर मेहमान आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कुमुद बोलती है, ओहो आ गए ये दोनों, फिर से शर्म नहीं आती सुबह सुबह किसी के घर आते हुए। अभी तो बहू ने चाय नाश्ता भी नहीं कराया मुझे, मैंने उससे पकोड़े बनवाए थे, अब इनको भी खिलाने पड़ेंगे, और सब्जियाँ और तेल फूकेगा वो अलग। जरा बहू को बोल कर आती हूँ। अरे आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं बहू से जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करवाती हूँ। जी बिल्कुल। कुमुद उन्हें बिठाकर अपनी बहू आन्या के पास किचन में जाती है और बोलती है, अरे बहू रमा और मनोज आ गए सुबह सुबह, देख पकोड़ों में ना तेज मिर्च डाल दियो इनके लिए, पकोड़े पर पकोड़े ठूसते जाएंगे, वरना पिछली बार 2 किलो तेल खत्म कर दिया था। पता है तेल कितना महंगा हो गया है, 350 का लाई थी मैं कल ही। मैं बता रही हूँ बहू, तो लाल और हरी दोनों मिर्च ज्यादा डालियो। ठीक है मम्मी जी, और आपके पकोड़ों में भी? क्यों मुझे मिर्च खिलाकर मारना चाहती है क्या? नहीं मम्मी जी। और सुन पानी वाली चाय बना लियो सिर्फ इनके लिए, समझी? अरे मम्मी जी इनको चाय तो ठीक से पिला दीजिए, 2 कप चाय ही तो पियेंगे। 2 कप चाय भी महंगी है, और मुझे पता है कि तू सिर्फ दूध दूध की चाय बनाती है और उसके बाद तो पीती भी नहीं है। उस दिन भी तूने फेंकी थी, मैंने शाम को देखा था तुझे चाय फेंकते हुए। नहीं मम्मी जी, मुझे ना वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा था तो मैंने चाय ना पीकर फेंक दी थी। देखा आ गई ना असलियत सामने, चल तू काम कर, मैं उनके पास बैठती हूँ। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान मम्मी जी कितनी कंजूस है, राम राम चाय में पानी पकोड़ों में मिर्च भरवा रही है मुझसे। भगवान जी सारा पाप इनको ही चढ़ाना, मुझे नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं है, बल्कि मुझे तो नींद आ रही है। एक बार ये मेहमान चले जाए फिर मैं आराम से अपनी नींद पूरी करूंगी। आन्या इतना बोलकर पकोड़ों में मिर्ची डालकर बनाने लगती है, साथ ही चाय में और ज्यादा पानी डाल देती है, और एक ट्रे में चाय नाश्ता लेकर मेहमानों के पास चली आती है। तभी मेहमानों के साथ कुमुद भी चाय नाश्ता करती है और पकोड़े खाती है। तभी तीनों को बहुत तेज की मिर्ची लगती है। इतनी मिर्ची पकोड़े में, पानी पानी, आ बाप रे बाप, आ बहू पानी, कितनी मिर्च डाली है तूने इसमें। अरे कुमुद तेरी बहू ने कितनी मिर्चियाँ डाली है इन पकोड़ों में। अरे मैं क्या बोलूँ, मुझे तो खुद मिर्च लग रही है, जीभ लाल हो गई। बहू अरे इतनी मिर्च कौन डालता है? अरे मिर्च ज्यादा हो गई, मैंने तो बहुत थोड़ी सी डाली थी, पता नहीं कैसे तेज हो गई। मजा आया ना माँ जी, दूसरों के खाने में मिर्ची डलवा रही थी, अब खुद को लगी तो पता चलेगा। बहू छोड़ूंगी नहीं तुझे तो, मैं जानती हूँ ये सब तूने किया है। अरे अब पानी भी लाएगी या नहीं? लाई माँ जी। ये बोलकर आन्या सबके लिए रसोई से पानी लेकर आती है, जिसके बाद वो मेहमान उसी टाइम अपने घर जाने की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नितिन अपने कमरे से आता है और उन्हें देखकर बोल पड़ता है, अरे रमा आंटी मनोज अंकल आप यहाँ कैसे और कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा कोई जरूरी काम आ गया है तो जाना ही पड़ेगा, वरना हम तो रात तक रुकने ही आए थे। हाँ बेटा। अरे अंकल आपको काम है, आंटी को तो यहीं रहने दो। मेरे बेटे को ज्यादा ही चुल मच रही है इन्हें रोकने की, यही तो इनका खर्चा उठाएगा ना जैसे। नितिन जाने दे जाने दे। इस तरह रमा मनोज उनके घर से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद कुमुद अपनी बहू आन्या से बोलती है, आन्या बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी मिर्च खिलाने की, ये सब तूने जानबूझकर किया ना मेरे साथ। अरे नहीं नहीं माँ जी आप मुझे गलत समझ रही है, ये सब तो मैंने आपको ही बचाने के लिए किया है। अच्छा भला वो कैसे? अरे नहीं नहीं माँ जी आप भी सोचो ना, अगर उनको मिर्च लगती और आपको ना लगती, और फिर वो आपकी प्लेट से पकोड़े उठाकर खाते, तो उन्हें तो सब कुछ सच पता चल जाता ना कि आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, तो मैंने आपको भी वही पकोड़े दिए थे। हाँ बहू बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। सॉरी माँ जी लेकिन मुझे ये करना पड़ा, और आप भी तो यही चाहती थी ना, अब देखिए वो चले भी गए, ज्यादा देर रुके भी नहीं। सही बोली बहू, लेकिन पकोड़े बच गए हैं मिर्च वाले, तो मैं सोच रही हूँ। ये बोलकर कुमुद अपनी बहू को एक मिर्च का पकोड़ा खिला देती है,
वो भी उसके मुंह में ठूस कर। तभी आन्या को भी मिर्ची लगती है और वो बोलती है, ये क्या माँ जी, आपने ये मिर्च वाले पकोड़े मुझे ही खिला दिया। मेरा मुंह जल रहा है, नितिन जी देख के रहे हैं, पानी लाइए। लाया लाया, ये लो पानी। ये बोलकर नितिन अपने हाथों से अपनी बीवी को पानी पिला देता है और कुमुद बोलती है, बेटा तूने अपनी माँ को तो पानी नहीं पिलाया। माँ आपको मिर्च कहाँ लग रही है? अच्छा, तेरी बीवी ने गोभी के पकौड़ों में इतनी मिर्च डाली है कि कानों से धुआं निकल रहा था। कहीं और से तो नहीं आया ना माँ? अच्छा अभी बताऊँ तुझे, बहू जा और अब सही से चाय पकौड़े बना कर ला, कोई कंजूसी मत करियो। लो कंजूस खुद है और मुझे बोल रही है, अरे कोई इन्हें बताए कि ये कितनी बड़ी कंजूस है। माँ जी मेरा मन नहीं कर रहा है अभी काम करने का, अभी आपको पकोड़े खाना जरूरी है क्या? अरे यार बना दो ना, मैं भी खा लूँगा, पनीर के बनाना मेरे लिए तो चीज डालकर। ठीक है नितिन जी, ये माँ बेटा मुझसे काम करवा करवा कर ना मेरी जान ही ले लेंगे। ये बोलकर आन्या फिर से बड़बड़ाती हुई रसोई में जाती है और सबके लिए पकोड़े बनाकर लाती है। कुछ ही देर बाद सब बैठकर नाश्ता करते हैं। ऐसे ही दो दिन बीत जाते हैं और आन्या अपने कमरे में सारी लाइट्स ऑन करके टीवी देख रही होती है। उसका एसी तक ऑन था। तभी उसकी सास ये देख लेती है और भड़क कर बोलती है, अरे ओ मैडम साहिबा, क्या बिजली का बिल तुम्हारी अम्मा भरेगी मायके से? अगर ऐसा है तो बता दो, मैं अपने रिश्तेदारों के बिल भी भेज देती हूँ। अरे माँ जी क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों बोल रही हो? अपने कमरे को देख, कितनी सारी लाइटें जला रखी हैं तूने और एसी भी चालू है, और अगर चालू है तो दरवाजा क्यों नहीं है बंद? उसकी सारी कूलिंग तो बाहर जा रही है और ये टीवी भी चला रखा है। अरे माँ जी मुझे ध्यान नहीं रहा, वो मेरा सारा ध्यान ना टीवी में लगा हुआ था और आपने टीवी बंद क्यों कर दिया? चलने दो ना, 5 मिनट का रह गया था मेरा नाटक। नहीं चलेगा कोई टीवी, जाकर काम कर, खाने का टाइम हो गया है। नहीं माँ जी मैंने कहा ना, मैं अपना सीरियल देख कर ही खाना बनाऊंगी। अच्छा ऐसा होने दूंगी जब ना? मैं तो देखूंगी। ऐसा बोलकर दोनों सास बहू बार बार टीवी ऑन ऑफ करने लगते हैं। इससे उसका सीरियल खत्म हो जाता है। तभी घमंड में आकर आन्या अपनी सास से बोलती है, अरे आपको क्या चुल मच रही है माँ जी, मेरे 5 मिनट सीरियल देख लेने से कुछ हो जाएगा क्या? मैंने कहा ना कि मैं सीरियल देख के खाना बना दूंगी, लेकिन नहीं, आपको तो अभी के अभी सारा काम चाहिए। अरे कितनी कंजूस है आप। मैं अपने दहेज में टीवी इसलिए लाई थी ताकि ससुराल में भी जाकर उसे देख सकूं, लेकिन नहीं, आपका तो कंजूस पना खत्म ही नहीं होता। अरे एक बार बिजली का बिल 100 रुपए फालतू आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा? वो तो तुझे तब पता चलेगा ना जब तू खुद कमा कर बिल भरेगी, लेकिन मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है और उसके पैसे तू यूँ ऐसे वेस्ट करे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और क्या कहा तूने मुझे कंजूस, तू भी कम नहीं है और अपनी ये शादी पर आए टीवी पर इतना घमंड कर रही है ना। तेरे आने से पहले भी इस घर में टीवी था, तू कोई जिन नहीं लाई जिसे हमने कभी देखा ही ना हो। ओहो माँ जी थोड़ा कम हाँ, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मुझे घमंडी बनना पड़ रहा है, वैसे मैं थी तो नहीं कभी। अरे जा हाँ जा रही हूँ खाना बनाने। इतना बोलकर आन्या रसोई में खाना बनाने चली जाती है और कुछ देर बाद दोनों मुंह फुलाकर एक साथ बैठकर खाना खाती है। वक्त बीतता जाता है, दोनों अपनी कंजूसी और घमंड को कम करने को राजी ही नहीं थी। ऐसे ही एक शाम को सिलेंडर वाला उनके घर आता है और बोलता है, अरे माता जी, अरे कोई है क्या, सिलेंडर ले लो भाई। अरे हाँ भैया आ गई, एक कामचोर घमंडी बहू, मेरी सुन तो सकती नहीं है, इतनी आवाज अंदर तक आई, लेकिन नहीं मुझे ही आना पड़ा बाहर को। अरे माता जी जल्दी ले लो सिलेंडर, मुझे और भी घरों में देने जाना है। अरे तो आ गई ना, ले ही रही हूँ, कितने का है? 850 का है माता जी, लाइए जल्दी पैसे दीजिए। हाय दैया इतना महंगा, क्या सोने की गैस भरकर भेज रहे हो इसमें? माता जी मजाक मत कीजिए, जल्दी से लाइए पैसे। कुमुद उसे पैसे लाकर देती है और तभी वो बोलता है, अरे माता जी ये क्या है, ये तो कम पैसे हैं, बाकी के 150 रुपए कहाँ है? अरे भैया अभी इतने ही ले लो, है नहीं मेरे पास, अगली बार ले लेना। नहीं नहीं माता जी अभी दो, हिसाब बिगड़ जाता है ऐसे, हमारा एजेंसी में बोलना पड़ता है। अरे भैया ले लो ना, अगली बार ले लेना पूरे पैसे, अभी आधे ही ले लो, और ये सिलेंडर तो अंदर रख दो, दरवाजे के बाहर छोड़ रहे हो बिल्कुल। पैसे आधे तो काम भी आधा, अगली बार रखूंगा अंदर।
ये बोलकर सिलेंडर वाला चला जाता है। तभी वो सिलेंडर उठाने के लिए अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे ओ अन्या की बच्ची, जरा बाहर आ और ये सिलेंडर उठाकर अंदर रख। जब देखो तब बुलाती रहती है, बहू को तो एक मिनट चैन से बैठने ही नहीं दे सकती। मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं उठेगा सिलेंडर विलेंडर। क्या फिर वो सिलेंडर वाले को पैसे देने में कंजूसी कर रही होगी, तभी बुला रही है मुझे। माँ जी मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तभी उसकी सास ये सुनकर उसके कमरे में जाती है और बोलती है, ठीक है मत उठा, मुझे क्या है, वहीं पड़ा रहेगा। और तू तो वैसे भी इस घर को अपना समझती ही नहीं है, और आज ये तेरी हरकतें ना, मैं नितिन को बताऊंगी, आने दे जरा उसे। अच्छा आप मुझे उनकी धमकी दे रही हैं, खुद तो आप कंजूस है, आप खुद ही क्यों नहीं रख लेती। मैं इस उम्र में कैसे करूंगी, तू ही सरकाकर अंदर रख दे, इतनी देर से चिल्ला रहा था तूने सुनी ही नहीं, मुझे क्या है मैं भी नहीं उठाऊंगी। ये बोलकर दोनों अपने कमरे में बैठ जाती हैं। और कुछ घंटों बाद आन्या बाहर जाकर देखती है और कहती है, ओ नो सिलेंडर तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ चला गया, चोरी तो नहीं हो गया। अरे यार अब तो मेरी सास मुझ पर और चढ़ चढ़ कर आएगी, जी भर के सुनाएगी गड़बड़ हो गई। वो तो आएगी नहीं, मैं ही सिलेंडर उठवा देती हूँ किसी से। कुमुद खुद से बड़बड़ाती हुई आती है और देखती है उसकी बहू वहाँ पहले से खड़ी थी, और वो उसे बता देती है कि सिलेंडर तो गायब हो चुका है। इस चीज के पीछे दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। शाम को नितिन के ऑफिस से आने के बाद दोनों फिर से लड़ाई करती हुई बोलती हैं। अरे बेटा देख, तेरी बीवी की वजह से सिलेंडर चोरी हो गया। नहीं नितिन जी, मेरी नहीं, इनकी वजह से हुआ है, इन्होंने नहीं उठाया। बस बहुत हो गया आप दोनों का, छोटे से घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते आप दोनों। अरे आन्या तुम माँ के भरोसे क्यों छोड़ती हो, बहू तुम हो ना या माँ। माँ आपकी कंजूसी और तुमने अपने घमंड की वजह से सिलेंडर चोरी करवा दिया। आप दोनों की अकल आई कि नहीं अभी तक, थोड़ा जिम्मेदार बनिए, ऐसे तो कल को आप घर में चोरी भी करवा देंगी। नितिन की बात सुनकर दोनों की अकल ठिकाने आ जाती है और दोनों माफी मांगती है और अपनी बुरी आदत को छोड़ देती है, जिसके बाद फिर कोई लापरवाही नहीं करती। नंदिनी एक प्यारी पर बहुत ही ज्यादा आलसी किस्म की लड़की थी, जिसे नींद के अलावा कुछ भी नहीं सूझता था। वो अक्सर ही अपने काम को अधूरा छोड़कर सो जाया करती थी। उसकी माँ गायत्री और पिता रवीश उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुके थे, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवाना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन उसके लिए सिद्धांत नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ सुनीता के साथ नंदिनी को देखने उसके घर आता है। अरे वाह बहन जी, आपने तो एकदम अच्छा इंतजाम किया है। जी जी बहन जी, ये सब मेरे बेटी ने ही बनाए हैं, बड़ी गुनी है मेरी बेटी। हाँ हाँ, लेकिन वो है कहाँ? अजय रुकिए, मैं लेकर आती हूँ उसे। गायत्री जैसे ही अपनी बेटी को लेने उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि नंदिनी तैयार होकर मजे से बिस्तर पर सो रही है। वो उसी वक्त अपनी बेटी के मुंह पर पानी छिड़क कर उसे उठाती है और कहती है, अरे बेशरम जल्दी उठ जा, बाहर तेरे रिश्ते वाले आए हैं और तू यहाँ मजे से सो रही है। माँ तुम चलो, मैं आ रही हूँ, बहुत जोर से नींद आ रही थी, अब चलो मैं बस पक्का आई अभी। गायत्री वहाँ से वापस मेहमानों के पास जाकर बैठ जाती है। करीबन एक घंटा बीत जाता है पर नंदिनी अभी तक नीचे नहीं आती। तभी सुनीता बोलती है, अरे बहन जी कहाँ रह गई आपकी बिटिया, इतना समय हो गया हमें इंतजार करते हुए। अरे बहन जी रुकिए, मैं बस अभी उसे बुला कर लाती हूँ। गायत्री फिर से नंदिनी को लेने उसके कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी बाथटब में लेटी हुई खराटे मार रही है। वो उसे एक जोरदार चांटा लगाती है और चिल्लाकर उठा भी देती है। वो उसे तैयार करके अपने साथ ही नीचे ले जाती है। अरे वाह, इतना इंतजार करने के बाद इस चांद का दीदार हुआ है। जी वो शर्मा रही थी ना, इसीलिए आने में थोड़ा समय लग गया। अरे कोई बात नहीं बहन जी,
मैं समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है ऐसे वक्त में। आप जल्दी से रिश्ता पक्का कर दो बस। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद नंदिनी और सिद्धांत की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है, पर नंदिनी की सुस्ती उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो कभी अपने कमरे में, कभी सोफे पर, तो कभी चेयर पर बैठे बैठे सो जाया करती थी। यहाँ तक कि जब सिद्धांत रात को उसके पास आता तो वो छटाक से चादर तान कर सो जाती, जिसके चलते उसकी सास उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन नंदिनी रसोई में खड़ी दूध उबाल रही होती है। अरे हाय, ये दूध है या सोता हुआ ज्वालामुखी जो उबल ही नहीं रहा? अरे कब से खड़ी हूँ मैं यहाँ पर? एक काम करती हूँ, जब तक ये दूध उबल रहा है ना, जाकर एक झपकी ले लेती हूँ। वैसे भी मैं बहुत थक गई। नंदिनी गैस पर दूध रखा छोड़कर बरामदे में रखी चेयर पर जाकर सो जाती है और सारा दूध राख हो जाता है और पतीला काला हो जाता है और उसकी महक पूरे घर में फैल जाती है, जिसे सूंघकर सुनीता तुरंत रसोई में जाती है और जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हैं इतना? ठीक से सोने भी नहीं देती मुझे, और ये बदबू कैसे आ रही है गंदी सी? अरे करमजली, तू ये जो दूध चढ़ाकर सोने चली गई थी, उसी की बदबू है ये। अरे जब से मैं खड़ी थी तब से तो उबला नहीं, और जैसे ही मेरी आँख लग गई तभी उबल गया। माँ जी मेरी गलती नहीं है, ये दूध ही खराब है जो देर से उबल रहा है। अरे दूध नहीं, हमारी किस्मत ही खराब है जो तेरे जैसी आलसी बहू मिली है हमें, जिसे सोने के अलावा और कुछ तो आता ही नहीं। कुंभकर्ण कहीं की, जाके बर्तन धो और अपना मुंह भी, ताकि तेरी सुस्ती कम हो। नंदिनी चुपचाप मुंह धोकर बर्तन धोना शुरू कर देती है। ऐसे ही वो आए दिन कुछ न कुछ गलती करने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपने बेटे सिद्धांत से कहती है, अरे बेटा ये कैसी बहू ले आए हम, इसको नींद के अलावा और कुछ आता ही नहीं। अरे बेटा हमें कुछ भी करके इसकी आदत को सुधारना पड़ेगा, वरना किसी दिन हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। माँ आप सही कह रही हैं, मेरे पास एक आइडिया है, इधर आओ बताता हूँ। सिद्धांत अपनी माँ के कान में सारी बात बताता है। अगली सुबह सिद्धांत की मौसी बिमला के घर से कीर्तन का बुलावा आता है, जिसे सुनते ही सुनीता खुशी से झूम उठती है। वो जल्दी से नंदिनी और सिद्धांत को बोलती है, अरे सिद्धांत बेटा, अरे नंदिनी बहू, अरे यहाँ आओ, अरे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ माँ, बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या हुआ माँ जी, फिर से कुछ गलती हो गई क्या? अरे तेरी विमला मौसी के घर से कीर्तन का बुलावा आया है हम सबको। अरे वाह माँ, हम जरूर चलेंगे। अगर मैं इन लोगों के साथ चली गई तो वहाँ मुझे सोने को नहीं मिलेगा। माँ जी मैं क्या कह रही थी कि मैं घर पर ही रुक जाती हूँ, आखिरकार घर पर भी तो कोई होना चाहिए ना, और वैसे भी मुझे कुछ तबीयत ठीक सी नहीं लग रही अपनी। हाँ हाँ ठीक है, तू रुकी जा तो अच्छा है, वरना तू वहाँ गई तो सारा दिन सोती रहेगी। चल जा बेटा, सामान बांध ले और चल, हम दोनों चलेंगे। सुनीता और सिद्धांत तैयार होकर विमला मौसी के घर निकल जाते हैं और सुस्ती से भरी नंदिनी आराम से चादर तान कर सो जाती है। अपनी नींद के चक्कर में वो ये भी भूल जाती है कि उसने घर का दरवाजा बंद ही नहीं किया है, और आधी रात को घर का दरवाजा खुला ही होता है, जिसकी वजह से घर में दो चोर घुस जाते हैं और बड़ी ही सफाई से घर का सारा सामान और पैसा साफ करके ले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नंदिनी मस्त घोड़े बेचकर सोती रह जाती है। अगली सुबह जब उसकी सास और पति घर आते हैं तो घर की हालत देखकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, और ये सब देखकर सुनीता पानी की भरी बाल्टी नंदिनी पर डालकर उसे उठाती है। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ?
अरे करम जली नास पीटी, कौन सी अफीम खा के सो रही थी तू जो तेरी नींद नहीं खुली? अरे देख देख, घर का सारा सामान चोरी हो गया। हाय, ये सब कैसे हो गया? किसने किया? कब हुआ? अरे ये सब तेरी लापरवाही का नतीजा है। अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती, निकल जा मेरे घर से। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए, वो बस मेरी आँख लग गई थी। अरे तेरी आँख के चक्कर में? करम जली, मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दाव पे लग गई। नहीं नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद कभी बेफिजूला नहीं सोऊंगी, पक्का, मुझे घर से मत निकालिए। चल ठीक है, कर देती हूँ माफ, लेकिन आज के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। माँ, अब जब नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो मैं घर का सामान मंगवा लेता हूँ, वरना हम ऐसे कैसे रहेंगे? सामान कैसे वापस आएगा? जी हाँ, घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि ये सब मैंने और माँ ने मिलकर तुम्हारे लिए ही किया था, ताकि तुम्हें समझ आ सके कि जरूरत से ज्यादा आलस करना हमारे लिए कितना ज्यादा गलत है। सिद्धांत की बात सुनकर नंदिनी को एक बार फिर से उपवास दिया जाती है और तीनों मिलकर जोर से हंसने लगते हैं। इस तरह नंदिनी अपना आलस छोड़कर एक फुर्तीली बहू बन जाती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये नींद की प्यारी बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे उसकी नींद इस हद तक प्यारी हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।